नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगम फिन में। आज की कंपनी लॉ की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOA एंड AOA। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं मेमोरेंडम के बारे में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होता है। ये कंपनी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये कंपनी की एक प्रोफाइल होती है जिसमें कंपनी के बारे में कुछ बातें लिखी होती हैं, जिसे हम मेमोरेंडम के क्लॉजेस कहते हैं। तो दोस्तों अब मेमोरेंडम की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम की डेफिनेशन लिखी है, जिसमें कहा है मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन टू एनी प्रीवियस लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब कि या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का जो उसके फॉर्मेशन पे बना था या उसके इनकॉर्पोरेशन पे बना था, या वो ऑल्टर्ड हुआ था, अमेंड हुआ था फ्रॉम टाइम टू टाइम, या तो इस कंपनीज एक्ट में या कंपनीज एक्ट 2013 जो ये अब चल रहा है, या इससे पुराने कंपनीज एक्ट में, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913 में। वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाएगा। अब इसका जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्ज क्लॉज जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो ये बताता है कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी, कंपनी किस बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनने वाली है, तो वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखेगी कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस करेंगे। तो वो चीज़ें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी होती हैं। और यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज एक कंपनी की पावर्स बताते हैं कि कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या हैं, कि कंपनी के पावर्स हैं कि कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगी और इसके अलावा कंपनी और काम नहीं करेगी। और अगर इन पावर्स के बियॉन्ड काम किया जाता है तो वो अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा। अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड द पावर्स। सो मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी आपने बनाई, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे। अब मान लीजिए कल से आप बिस्किट बनाना शुरू कर दें, तो वो बियॉन्ड पावर्स होगा। इसलिए कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में जो मेंशन है वो ऑब्जेक्ट्स के अंडर ही वो कंपनी काम कर सकती है, और अगर इसके अलावा कंपनी कोई काम करती है तो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। वॉइड एब इनिशियो मींस वॉइड यानी इनवैलिड, एब इनिशियो मींस सिंस बिगनिंग। जब से उसने वो काम किया तब से ही वो इनवैलिड माना जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट से इनवैलिड नहीं होगा। अपने जिस दिन वो काम शुरू कर दिया जो कि बियॉन्ड पावर्स है, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स है कंपनी के, उसको तब से ही वो इनवैलिड माना जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं कि कंपनी में कौन कौन से क्लॉजेज या कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में मेंशन है कंपनी में के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेज और कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। नंबर 1 बात करते हैं नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और 1% कंपनी केस में एक एडिशनल क्लॉज होता है नॉमिनी क्लॉज, और इसके अलावा जो लास्ट होता है एसोसिएशन क्लॉज। तो एक जनरल कंपनी में 6 क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, बट एक 1% कंपनी के केस में 7 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें एक एडिशनल क्लॉज होता है नॉमिनी क्लॉज। अब बात करते हैं, अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इन क्लॉजेज में पर्टिकुलरली क्या क्या होता है और क्या क्या मेंशन करना होता है। नेम क्लॉज में दोस्तों लिखा होता है कि कंपनी का नाम लिखना होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम है ABC, ABC लिखना होगा, और इसके साथ अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको लिखना होगा ABC लिमिटेड, और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पर वो कंपनीज जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं, यानी वो कंपनीज जो नॉन प्रॉफिट के लिए बनती हैं, जो फिलान्थ्रफी या सोशल वर्क के लिए बनाई जाती हैं, जिस कंपनी का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो कंपनीज जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर कराई जा सकती हैं कंपनीज एक्ट में, उनके आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, रिलायंस फाउंडेशन जो एक बहुत बड़ी सोशल वर्किंग कंपनी है, उस वो भी एक सेक्शन 8 में ही रजिस्टर्ड है, और उस कंपनी को अपना नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो जिस ऑफिस से आप अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे, जिस ऑफिस में आप कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, डेटा रखेंगे, वो जो कि रजिस्टर कराएंगे आप उस ऑफिस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, उस रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है। तो यहाँ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा, क्योंकि उस स्टेट के अकॉर्डिंगली ही आपके सारे कंप्लायंसेज होंगे, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ही आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर होगी दोस्तों। तो आपको यहाँ पे स्टेट लिखना होता है, जैसे कि मगर मैं मान लो आपका आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिल्ली में होने वाला है, तो आप उसमें लिखेंगे द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ दिल्ली।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। सो दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं जो कंपनी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड है, जिस पर्पस के लिए कंपनी काम करना चाहती है, जिस बिजनेस है, जैसे कि हमने पीछे बात करी। तो दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट्स आपको मेंशन करने होंगे क्लॉज थर्ड क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यहाँ पे आप चाहें तो सेक्शन 41C ये कहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अवे सारे लिख सकते हैं, आपको ऐसा कोई बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कंपनीज एक्ट 1956 में क्या होता था कि तीन टाइप से ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते थे, मेन ऑब्जेक्ट्स, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो वहाँ क्या होता था दोस्तों कि कंपनी मेन ऑब्जेक्ट लिखती थी, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट जो उसका बेसिक मेन ऑब्जेक्ट है, एंसिलरी मीन्स जो उस मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, और अदर ऑब्जेक्ट की कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो कंपनी फ्यूचर में काम कर सकती है। तो अब इस कंपनीज एक्ट में वो अदर ऑब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है उसमें से ये चीज़ें हटा दी गई हैं। अब सेक्शन 4C तो ये कहता है दोस्तों कि आप स्ट्रेट अवे सारे ऑब्जेक्ट्स लिख लें, बट जो प्रैक्टिकली चलता है, इंडस्ट्री सिनेरियो जो चलता है, वो मैं भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कंपनीज जो हैं वो मेन ऑब्जेक्ट्स और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। तो मान लीजिए, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मेन ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए आपकी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो आपने लिखा कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस करूँगा, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने तीन चार टेक्निकल आइटम्स लिख दिए। उसके अलावा अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए होगी, वर्क फोर्स चाहिए होगी, कंसल्टेंट्स चाहिए होंगे, या IT इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, एक ऑफिस स्पेस चाहिए होगा। तो वो आपके एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो उन एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स जो आपको करने होंगे, वो भी आप मेमोरेंडम में एज दो बाइफर्केशन करके भी लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री आजकल करती है, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। तो बात करते हैं लायबिलिटी क्लॉज के बारे में। दोस्तों, कंपनी का जो बेसिक फीचर होता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी, बट यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बेसिकली अपनी लायबिलिटी के बारे में डिटेल में लिखना होता है कि हमारी जो कंपनी है उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, क्या होगी। तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे जो लॉ कहता है, वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। तो उसमें लिखा है कि इन केस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है, जो फॉर्म होती है, क्या कंपनी में जो टोटल शेयर कैपिटल होती है वो होती है 100 शेयर, और हर शेयर की वैल्यू होती है 10 रुपए। अब मान लीजिए कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर्स हैं या जो अपने मेंबर्स हैं, उनसे अब तक 10 रुपए की जगह पर शेयर 8 रुपए ही मंगवाए हैं, और 2 रुपए अभी बचे हुए हैं मंगवाने। तो और उस केस में कंपनी बीच में मान लीजिए बाइंडिंग अप में चली जाती है, कंपनी बंद होने के कगार पे चली जाती है, तो जो मेंबर्स की लायबिलिटी होगी वो होगी बचे हुए 2 रुपए, जो कि अनपेड है उन शेयर कैपिटल पे। अब बात करते हैं इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे एक और टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जहाँ की जो कि होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है कि मेंबर्स एक अमाउंट गारंटी करते हैं। मान लीजिए कंपनी 10 मेंबर से शुरू होती है, वो 10 मेंबर एक गारंटी देते हैं कि कंपनी का जब भी वाउंड अप होगा या कंपनी की जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम मान लीजिए 1 लाख रुपए की गारंटी देते हैं कि हम 1 लाख रुपए तक देंगे। तो वही होती है कि अगर वाइंडिंग अप के केस में, जब वाइंडिंग अप की बात आती है, तो कंपनी की जो भी देनदारी होती है, तो तब उनकी जो लायबिलिटी आती है मेंबर्स की, वो अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी आती है। उन केसेस के केस में जो कि मेंबर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। अगर वाइंडिंग अप मान लीजिए वो मेंबर था ईयर 2019 में, मान लीजिए अब पर्टिकुलर मंथ भी ले लेते हैं फरवरी 2019 में, और कंपनी जो है वाइंडिंग अप में चली जाती है जनवरी 2020 में, तो जो फरवरी 19 में भी मेंबर था कंपनी का, वो भी लायबल होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट जो कि उसने गारंटी किया था। सो ये होती है लायबिलिटी ऑफ मेंबर। और किस किस के लिए होगा, एक तो एसेट्स के लिए होगा, और होगा कॉस्ट चार्ज एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने मेमोरेंडम में अकॉर्डिंग टू योर कंपनी की, जो आपकी कंपनी जिस फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके बेसिस पे मेमोरेंडम में जो है लायबिलिटी क्लॉज में चीजें मेंशन की जाती हैं। बात करते हैं कैपिटल क्लॉज के बारे में। तो अगर कंपनी शेयर कैपिटल है, जो आपको मैं बता दूं कि भारत में मोस्टली कंपनीज जो है विद शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड लायबिलिटी के साथ इनकॉर्पोरेट होती है, तो उस केस में आपकी जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी। मान लीजिए आप 1 लाख से शुरू कर रहे हैं, तो आपकी 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल हो गई, और 1 लाख में कितने मेंबर्स किस हिसाब से पैसा लगाएंगे। मान लीजिए कंपनी में 3 मेंबर हैं या 2 मेंबर हैं, ए और बी हैं, तो वो 50-50,000 इक्वल शेयर में लगाएंगे, या किस शेयर में पैसा लगाएंगे, और कितने कितने शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उसके हिसाब से वो मेंशन किया जाता है। उसके बाद आता है जो ये एडिशनल क्लॉज आता है इन केस ऑफ 1% कंपनी। सो दोस्तों, 1% कंपनी के केस में एडिशनल क्लॉज क्यों आता है, उसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ। दोस्तों, 1% कंपनी जैसे कि
इसका नेम ही कहता है कि एक सिंगल पर्सन कंपनी है। अब बाकी कंपनीज के केस में, प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप जानते हैं कि 2 मेंबर से शुरुआत कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी एक की डेथ भी हो जाती है तो दूसरा पर्सन उस कंपनी को सर्वाइव करने के लिए होता है। 1 पर्सन कंपनी में, मान लो उस 1 पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस कंपनी को कौन कंटिन्यू करेगा, कौन चलाएगा? तो इसलिए एक एडिशनल क्लॉज रखा गया है टू सेव गार्ड और टू इंश्योर परपेचुअल सक्सेशन ऑफ द कंपनी, कि 1 पर्सन कंपनी में वो 1 पर्सन ये मेंशन करेगा अपने मेमोरेंडम में कि इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो उस केस में कौन इस कंपनी का नॉमिनी होगा और कौन इस कंपनी को आगे चलाएगा या इस कंपनी की देनदारी को मैनेज करेगा। अब लास्ट आता है दोस्तों एसोसिएशन क्लॉज। तो 1 पर्सन कंपनी में ये 7वां क्लॉज हो जाता है और बाकी कंपनीज में ये 6ठा क्लॉज हो जाता है, जहां पे जिसको हम जनरल भाषा में सब्सक्राइबर शीट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसी सेम शीट को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी डाला जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे जाते बट सिग्नेचर होते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है। तो सब्सक्राइबर शीट होती है, कहते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइबर शीट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, साइन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या डिटेल मेंशन की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मान लीजिए एक कंपनी 2 लोग शुरू कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, जो कि इक्वल शेयर्स लगाते हैं कंपनी में, तो उनका नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन लिखा जाता है। उसके अलावा जी उन्होंने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं और उसमें उनको अपने शेयर्स जहाँ पे उन्होंने एक सब्सक्राइब करने के लिए एग्री किया है उसके आगे उनको साइन करने होते हैं। और इसके बाद जो ये सब्सक्राइबर शीट हो दोस्तों, इसको विटनेस कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसको विटनेस जो है वो या तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी से कट रही है या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। तो इन दोनों में से किसी से भी आपको उसको विटनेस कराना होगा। विटनेस करते समय उसको भी अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और अपना मेंबरशिप नंबर लिखना होगा। सो दोस्तों ये बात रही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सेक्शन 5 बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सो दोस्तों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, अब ये क्या होता है इसके बारे में छोटी छोटी कुछ समझ लेते हैं बातें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल बायलॉज होता है रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। सो जैसे हमने बात करी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक प्रोफाइल होता है कंपनी का। कंपनी अपना ब्रीफ प्रोफाइल लिखती है, जी मैं क्या हूँ, मेरी कैपिटल क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेरी लायबिलिटी कितनी है और मेरी कैपिटल कितनी है। ये सारी चीज़ें कंपनी अपने प्रोफाइल में देती है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ये बताती है कि भैया मेरे इंटरनल बायलॉज, मेरे इंटरनल रेगुलेशंस क्या हैं जिसके अकॉर्डिंगली इस कंपनी के डायरेक्टर्स काम करते हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करती है या इसके अकॉर्डिंगली कंपनी लोन्स लेती है, कंपनी फंड्स देती है या कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सो ये इंटरनल रेगुलेशंस या इंटरनल बायलॉज होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि फर्स्ट मोस्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट होता है, ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सुपरसीड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चीज़ या कोई बात या कोई रेगुलेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन है, उस सेम टॉपिक पे अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ कहता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ कहता है और एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में जो बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है वो ही प्रिवेल करेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात कुछ भी लिखी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है। तो यहाँ लॉ ने बहुत अच्छा काम किया है, लॉ ने क्लैरिटी दे दी है कि भैया अगर इन केस इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि बहुत मेजर डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनमें कहीं भी आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करो। सो अब बात करते हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 के बारे में। अब यहाँ पे जो एक बहुत अहम बात की गई कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कोई फॉर्मेट बताया लॉ ने, जी हाँ लॉ ने एक फॉर्मेट बताया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, जो कि हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल एफ जी एच आई जे। इन 5ों में से किसी भी एक फॉर्मेट में आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लॉ ने दिए हैं जो कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन है। अब यहाँ पे हम एक एक टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बात करेंगे कि क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम है वो टेबल एफ है, इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों, क्योंकि ये टेबल एफ कहती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जैसे मैंने पहले बताया, भारत में अधिकतर कंपनी, मतलब मोस्टली कंपनियां, मैं कहूँ कि ज़्यादातर सारी कंपनियाँ ही लिमिटेड बाय शेयर्स ही इनकॉर्पोरेट होती हैं। बहुत ही रेयर कंपनी आपको मिलेगी जो किसी और फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट होती है या किसी और तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, तो अधिकतर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। इसलिए टेबल एफ जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जिसको आपको रेफर करने की ज़रूरत है अपने एग्जाम्स में या अपने किसी भी पर्पस में जो कि आपको कंपनीज एक्ट के रिलेटेड है। तो इस टेबल एफ में, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यहाँ पे टेबल एफ में 91 टोटल रेगुलेशंस हैं।
तो ये टेबल एफ का एक मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है। अब बात कर लेते हैं टेबल जी के बारे में। टेबल जी कहता है ए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है और उसमें शेयर कैपिटल भी है तो टेबल जी अप्लाई करेंगे। टेबल एच कहाँ अप्लाई करेंगे? व्हेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो वहाँ पे गारंटी लिमिटेड बाय सिर्फ गारंटी है बट उसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है। अब टेबल एच आई की बात आती है। टेबल आई है अनलिमिटेड कंपनी जहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है मेंबर्स की और शेयर कैपिटल भी है, दोनों चीज़ें हैं। बट टेबल जे जहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी है और शेयर कैपिटल भी नहीं है। तो जैसे भी आपकी कंपनी, जिस फॉर्मेट में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉडल फॉर्मेट अप्लाई करना है। सो यहाँ पे दोस्तों एक अहम बात ये ध्यान देने वाली है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको कैसे बनाना है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर मैं पब्लिक कंपनी के केस में बात करूं तो वो टेबल एफ एज इट इज उठा सकती है या फिर कुछ टेबल एफ में अपने अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट कर सकती है और टेबल एफ में कुछ चेंजेस कर सकती है अपने टेबल एफ से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या टेबल एफ में जो रेगुलेशंस लिखे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकती है। बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में डालते समय ये ध्यान रखिए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आर्टिकल में हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और आपके लॉ से। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी भी टेबल एफ से रेगुलेशंस उठा सकती है और वो अपना भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है। बट प्राइवेट कंपनी को ये ध्यान रखना होगा कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो मैंने पहले बात करी थी अपनी वीडियो में, कि प्राइवेट कंपनी को कुछ तीन रिस्ट्रिक्शंस मेन होती हैं, ये तीन रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस बोलें, ये मेंशन करनी होती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो वो उसको मेंशन करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम टेबल एफ, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डालनी होगी। जैसे कि जैसे एक आपको दोबारा से बैकग्राउंड दे देता हूँ, वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। एक कि इट रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि प्राइवेट कंपनी में एक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रोहिबिशंस होती हैं पब्लिक डिपॉजिट्स पे, और नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये थ्री कंडीशंस थी जो एक प्राइवेट कंपनी को इन एडिशन टू टेबल एफ रेगुलेशंस मेंशन करनी होती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो ये रही बात सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ जनरल बातें हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ समझना जरूरी है। सेक्शन 6 एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो कंपनी एक्ट में डाला गया। अब यही जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए बताया गया लॉ में, यहाँ भी एक चीज़ बताई गई कि अब मान लीजिए एक तो आपका एक्ट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक आपका मेमोरेंडम है जिसमें भी कुछ बातें कही गई हैं, एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अब ये तीन डॉक्यूमेंट आ गए, अब इन तीन डॉक्यूमेंट में क्या करें? अब दो डॉक्यूमेंट में तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं लॉ ने बता दीजिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो आप मेमोरेंडम को फॉलो करो। बट अगर अब इन दोनों में या कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन इनकी लॉ से हो जाती है या कंपनीज एक्ट से हो जाती है तो हम क्या करें? तो यहाँ सेक्शन 6 कहता है, मैं इसकी लैंग्वेज आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूँ। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब कि इस एक्ट में अगर कुछ स्पेसिफिकली लिखा है तो उसको ध्यान में रखते हुए द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस का इफेक्ट होगा, ये इफेक्टिव रहेंगे नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ अ कंपनी और इन एनी एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट और इन एनी resolution passed by the company in general meeting or by its board of directors, whether the same be registered, executed or passed, as the case may be, before or after the commencement of this act. So, यहाँ दोस्तों वो ये कहता है कि provisions जो होंगे इस act के effective रहेंगे, चाहे आपने memorandum या अपने articles में कुछ लिखा हो, या आपने कोई agreement execute कर दिया हो, या आपने कोई resolution pass कर दिया हो इन जनरल मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, अगर उससे कोई कॉन्ट्रारी क्रिएट होती है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होती है, तो उस केस में प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेंगे। अब एनी प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम आर्टिकल्स एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन शैल टू द एक्सटेंट विच इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बिकम्स और बी वॉइड, उनको वॉइड माना जाएगा, उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं दोस्तों जो शायद आज की डेट में इतना लोग नहीं जानते हों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, जो आपको कभी भी अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट है बहुत हेल्प कर जाते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन जो है मैं लास्ट में ये डॉक्ट्रिन आपको समझाना चाहूँगा। सो पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है। ये कहता है कि जब कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, कंपनी ने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज करके अपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई आरओसी के साथ, उसके तुरंत बाद जो उसकी कंपनी के मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन है और उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि सब इस कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जो भी कंपनी से डील करने आ रहे हैं
Consequently, everybody entering into the contract with the company is presumed to have read and understood these two documents before signing the contract with the company. तो ये मान लिया जाएगा कि कोई भी अगर कंपनी से हमारी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है या उस जिसको कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो उसने उस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है और उसको जानकर उसको अच्छे से समझकर ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी कंप्लायंसेस जो ऑन द फेस दिख रहे हैं कि कंपनी ने कंप्लाई नहीं करें और फिर भी वो थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है या वो पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। तो यहाँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ दोस्तों समझ लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उस कंपनी में दो लोग, उस कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो लोग साइन करें, एक उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, एक उसका CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब मान लीजिए कंपनी XYZ है जो कंपनी ABC से कॉन्ट्रैक्ट करने आती है और वो कंपनी XYZ ABC को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजती है और ये होता है कि ABC का कोई एक मैनेजर या कोई एक ऑपरेशनल मैनेजर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके XYZ को भेज देता है और XYZ उस पर रिलाई करके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, अपने एक्सपेंडिचर्स कर लेती है, अपने ऑपरेशंस कर लेती है या उस कॉन्ट्रैक्ट में रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना शुरू कर देती है। अब लेटर ऑन जब ये बात ABC के सीनियर मैनेजमेंट के नोटिस में आती है तो ABC का सीनियर मैनेजमेंट या ABC का लीगल टीम जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर देती है और ये मना कर देती है कि कॉन्ट्रैक्ट हम अप्लाई माने नहीं है। तो उस केस में क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था तो ये XYZ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दो लोगों का साइन करना जरूरी है और मैनेजर के साइन करने से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो XYZ की होगी और ABC लिमिटेड उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी देनदारी के लिए लायबल नहीं होगी। सो दोस्तों होपफुली आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपने देखा कि यार ये तो बड़ा हार्श है कि अगर मैं किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, मेरे को छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं उसका आर्टिकल्स ही पढ़ता रहूँ। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, बट इट्स नॉट अ फुल रूल कि सिर्फ यही अप्लाई होगा। इसके लिए एक एक्सेप्शन दी गई है, इसके लिए आपको रिलीफ दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। इंडोर मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट के अंदर या कंपनी का इंटरनल कंप्लायंसेस। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइड इज डीलिंग विद द कंपनी। अब वहां पे पहले हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या बात करी थी कि जो कंपनीज के इनसाइडर लोग हैं वो ये अज्यूम करके चलते हैं कि बाहर वाले ने हमारा आर्टिकल्स मेमोरेंडम पढ़ लिया और इसके बेस पर ही वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर उल्टा आ जाता है कि वो बाहर वाला पर्सन ये मान के चलता है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी या जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके इंटरनल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो करके ही अपना काम करते हैं। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मैं बोल लेता हूँ। वंस द आउटसाइडर रेड एंड अंडरस्टूड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, दे शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इररेगुलरिटीज इनसाइड द डोर्स ऑफ द कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मेंबर्स। सो मान लीजिए इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई कंपनी बैंक से लोन लेने जा रही है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये मान के चलेगा कि जो जो भी रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट या जो भी अप्रूवल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ले लिया, वो जो इंटरनल रिक्वायरमेंट और इंटरनल कंप्लायंसेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए थे या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए थे वो कंपनी उसको कंप्लाई करेगी या उस लोन से रिलेटेड और भी कुछ कंप्लायंसेज है, कैपिटल इंक्रीज करना है, व्हाटएवर, वो सारे कंप्लायंसेज जो इंटरनल कंप्लायंसेज हैं वो पूरे करेगी और अगर उसमें कोई रेगुलरिटीज होती हैं तो वो बैंक या जो थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही है कंपनी के साथ उसका बिजनेस या वो अफेक्ट नहीं करेगी या वो कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट, वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। सो दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मैं और भी आगे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपके और कोई सुझाव हैं, कोई सजेशन है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।